नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। और सबसे पहले खबर बिलासपुर से है। हाई कोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। निकाय परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाई जा रही थी। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में परिसीमन को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना को आधार माना है। 2014 और 2019 में भी इसी आधार पर परिसीमन हुआ था। कोर्ट ने पूछा है कि एक ही आधार पर फिर क्यों हो रहा है परिसीमन। तो यह बड़ी खबर है बिलासपुर से। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को कोर्ट से यह बड़ा झटका। और न्यूज 18 संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, हाईकोर्ट ने इस वार्ड परिसीमन पर रोक लगाई है, आधार क्या नजर आ रहा है और किस आधार पर सरकार या कहें प्रशासन शासन परिसीमन करना चाहता था? जी बिल्कुल, आगामी दिनों में नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होना है, इसको लेकर लगातार जो है परिसीमन हो रहा था वार्डों के, विभिन्न जो नगर पालिका है उसमें, और इसको आधार माना जा रहा था 2011 की जनगणना को। इससे पहले भी जो परिसीमन हुए थे 2011 की जनगणना के आधार पर ही हुए थे, लेकिन इसको ये प्रक्रिया चल ही रही थी और इसको कोर्ट में चुनौती दी गई कि किस आधार पर इसको किया जा रहा है, 2011 की जनगणना को किस तरीके से आधार माना जा रहा है और एक ही जनगणना के आधार पर बार बार परिसीमन किस तरीके से हो रहा है। तो तमाम दलीलों को सुनते हुए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया गया है, राज्य सरकार को बड़ा झटका मिला है और सवाल पूछा है कि एक ही जो आधार पर जो परिसीमन चलाए जा किए जा रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो तमाम जो दावे दिए गए, दलीलें दी गई, इसके बाद कोर्ट ने फैसला देते हुए एक बड़ा झटका दिया गया है। अब नए सिरे से परिसीमन होगा, किस तरीके से होगा और क्या होगा इस पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट में फिर ये मामला जाएगा और सरकार क्या पक्ष अपना रखने वाला है ये भी देखने की बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश, चूंकि हाईकोर्ट का मामला है, क्या इस पर अगर चूंकि सवाल उठाए गए थे तो क्या आगे किसी और कोर्ट में सरकार जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोर्ट ने फैसला दिया है, अब इसके बाद प्रक्रिया क्या होनी है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन किया जाना है और बेहद जरूरी है परिसीमन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, वार्डों की संख्या बढ़ेगी, उसके बाद निगम चुनाव की जो तमाम प्रक्रिया है वो की जानी है। अभी तो दावा आपत्ति मंगाने भी शुरू हो गए थे परिसीमन को लेकर, लेकिन अचानक से इस तरीके से ब्रेक लगना एक बड़ा झटका सरकार को लेकर है। अब तमाम बिंदुओं पर जो है वो विचार होगा और किस कैसे ये प्रक्रिया को आगे बढ़ानी है, ये सरकार को कहीं ना कहीं से इस पर कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता निकालने का प्रयास जरूर होगा सरकार की तरफ से, चूंकि सरकार परिसीमन करना चाहती थी लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। शुक्रिया आकाश पूरी जानकारी के लिए। और रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्काई वॉक का उपयोग मुख्य तौर पर फुटओवर ब्रिज के रूप में होगा। स्काई वॉक के अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रमन सरकार में शास्त्री चौक पर स्काई वॉक बनाने का फैसला लिया गया था, इसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। ₹2016-17 में स्काई वॉक निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, काम रुक गया और लगभग 7 साल से काम रुका हुआ है, लेकिन अब स्काई वॉक को फिर से निर्माण करने का जो बीड़ा है वो बीजेपी की सरकार, राज्य सरकार उठाने जा रही है। हालांकि लोग अलग अलग तरीके से अपने जो अपनी बात है वो रख रहे हैं, कोई कह रहा है कि स्काई वॉक का निर्माण नहीं होना चाहिए और कोई इसे उपयोगी बता रहा है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अधूरे काम फिर से शुरू होंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया। मत विभाजन में विधेयक के पक्ष में 47 मत पड़े जबकि विपक्ष में 27 मत पड़े। विधेयक पास होने से पहले इस पर चर्चा हुई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया।
भूपेश बघेल ने कहा कि मंडी फीस के जगह कृषक कल्याण आपने कह दिया। हिमाचल में क्या हुआ, बड़े लोग रेट खोल रहे हैं औने पौने दाम में, हिमाचल में सेब बेचने के लिए किसान मजबूर हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि क्रूद में ई मंडी है, 20 ई मंडी संचालित हैं, संशोधन इसलिए आया है ताकि प्रदेश की मंडी के किसान भी राष्ट्रीय कृषि बाजार में व्यापार कर सके। बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने कहा कि गांव के छोटे किसान को ये अनुमति नहीं है कि वो दूसरी मंडी में अपनी उपज बेच सके, इसमें संशोधन से वो दूसरी मंडी में जा सकेगा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इससे उपज का सही मूल्य मिलेगा। देखिए, आज प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा संशोधन विधेयक ला करके हम किसानों के लिए यहाँ कैसे ओपन मार्केट मिले, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके और उनके उपज का मंडियों के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में जो बेहतर मार्केट हो सकता है उसमें अपना उपज वो बेच सके। और खबर रायपुर से है जहां कारोबारी पर शूटआउट केस में बड़ा अपडेट है। एक और आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। शूटर्स का अकाउंट मैनेज करता था आरोपी चमन। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया जा रहा है। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों शूटर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये बड़ी खबर है, शूटर्स का अकाउंट मैनेज करता था एक आरोपी, एक और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो कारोबारी पर शूटआउट केस में ये बड़ा। और रायपुर गोलीकांड में पुलिस को सफलता मिली, हथियार सप्लाई करने का आरोपी विक्रम अरेस्ट कर लिया गया। विक्रम की झारखंड से गिरफ्तारी हुई है, झारखंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। रायपुर गोलीकांड में हथियार सप्लाई का आरोप है इस पर। गिरिडीह जेल से अमन साहू को शिफ्ट किया गया है। चायवासा जेल में अमन साहू को अब शिफ्ट कर दिया गया है। अमन साहू पर 90 से ज्यादा मामले दर्ज। और भिलाई में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सदस्य कलादास डहरिया ने से पूछताछ करने एनआईए की टीम पहुंची। 6 से ज्यादा अधिकारी रेड में शामिल थे। नक्सलियों से सांठगांठ का आरोप है। लैपटॉप, पेनड्राइव, मोबाइल फोन जब्त किया गया। ये एनजीओ किसान, आदिवासी और मजदूरों के संगठन के लिए काम करता है। इसके लिए इसे देश भर से फंडिंग मिलती है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एनआईए दबिश की पुष्टि की है। क्या है पूरा मामला बताएंगे? ये पूरा मामला है कि मैं जिस तरीके से हम लोग अभी मजदूरों के बारे में, मजदूरों के न्यूनतम वेतन के बारे में जिस तरीके से हमने अभी चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति को और सरकार को भी कि आज़ादी के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, आज़ादी के बाद आज तक मजदूरों को 7,000, 8,000, 9,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। वहीं सांसद में जो लोग बैठे हैं विधानसभा में, उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलता है और 1 रुपए 2 रुपए में चाय मिलता है, तो ये मजदूर जिएगा कैसे? और खबर बिलासपुर से है जहां कांग्रेस पार्षद पर मामला दर्ज किया गया है। इस पर फर्जी रसीद से वसूली के आरोप हैं। कमिश्नर के पत्र पर कांग्रेस पार्षद अमित सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सरकंडा थाने में वार्ड नंबर 50 का पार्षद है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 40 दुकानें लोगों को दी गई, जिनमें से 9 दुकानदारों के पास हैं वो संदिग्ध रसीद मिली है। पार्षद ने फर्जी रसीद देकर हर दुकानदार से 18,700 रुपए वसूले। उधर रायपुर में बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी में निगम का बुलडोजर फिर चला है। सिविल लाइन में अतिक्रमण पर निगम ने बुलडोजर चलाया। बड़ी संख्या में दरअसल अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। राजधानी रायपुर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। दरअसल हॉकर्स ने
सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण कर जमीन पर कब्जा कर रखा। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मलेरिया डायरिया का कहर जारी। अंबिकापुर में डायरिया से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चे की मौत के बाद टीम खुज्जी पहुंची और लोगों को डायरिया को लेकर लोगों की जांच भी की और यहां से पानी के सैंपल भी लिए गए। और अब खबर कांकेर से, जहां बस्तर फाइटर के जवान की मलेरिया से मौत हो गई। ये बीमार होने की बाद जवान अपने घर आया था, हालत बिगड़ने पर रायपुर रेफर किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को मलेरिया का खतरा हमेशा बना रहे। उत्तम मंडावी नाम के एक कांस्टेबल है हमारे बस्तर फाइटर में। ये पिछले दिनों में छुट्टी पर गया था और घर पे जब था उस समय मलेरिया हुआ, लेकिन इलाज के दौरान फिर इनको रायपुर रेफर किया गया है, लेकिन तब तक काफ़ी सीरियस हो चुका था और ब्रेन काफ़ी अफेक्ट हुआ है, जिसके कारण कल रात में इनका डेथ हुआ है। उधर बीजापुर से सटे तेलंगाना की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली को जवानों ने ढेर कर दिया। तेलंगाना के दामरा तोंगू जंगल में मुठभेड़ हुई, मारे गए नक्सली की पहचान हो गई है। इसका नाम नल्ला मारी अशोक उर्फ विजेंद्र है। इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया। इधर सुकमा में 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 3 महिला समेत 5 माओवादियों ने हथियार डाले हैं। 3 पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि नक्सली कमांडर से तंग आकर उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला लिया। तो 5-5 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सुकमा से बड़ी खबर, अहम खबर, हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दरअसल अपने कमांडर से तंग आकर आखिरकार उन्होंने ये कदम उठाया। 3 महिला समेत कुल 5 नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया। और सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुल पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट की साजिश रची थी। पुल पर नक्सलियों ने गड्ढा बनाया था। जवानों ने पुल पर बने गड्ढे को बंद कर दिया। तो नक्सलियों की साजिश बेनकाब हो गई और जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। दरअसल ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, गड्ढा बनाया जा रहा था सड़क के नीचे, जिसके अंदर आईडी प्लांट की साजिश। और बड़ी खबर है दुर्ग से। दुर्ग में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी के लिए शहरवासी परेशान है और आज भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया। पानी ना मिलने से बीजेपी पार्षद नाराज हो गए। महापौर और आयुक्त कार्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 5 दिनों से शहरवासियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और अभी तक उन्हें पानी नसीब नहीं हो पा रहा। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या दिक्कत है, क्यों पानी नहीं सप्लाई हो रहा? देखिए प्रशांत, ये पूरे शहर में पानी की सप्लाई शिवनाथ नदी से होती है, लेकिन शिवनाथ नदी में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में जो मेन जो इंटक वेल है, जहां पर से संपूर्ण पानी की सप्लाई होती है, वहां पर कचरा फंस जाने की वजह से टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, फिल्टर प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि लगातार पानी में दिक्कत हो रही है। चूंकि पानी अत्यधिक है और उसकी सफाई भी नहीं हो पा रही है, इस वजह से काफी परेशानी हो रही है। शहर में 2 मेन जो फिल्टर प्लांट है, 24 और 42 MLD फिल्टर प्लांट से संपूर्ण शहर में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन वहां तक ही पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से लगातार पानी की दिक्कतें हैं जो वो बढ़ते जा रही है। अघोषित रूप से 5 दिनों से ये स्थिति बन रही है। कुछ जगह में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पानी नहीं आ रहा है। निगम ने घोषित जरूर किया था 1 दिन के भीतर में ये पूरी व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी, लेकिन आज 2रा दिन है, आज भी लोगों को, कई लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। ऐसे में मूलभूत आवश्यकता जो है जीवन के निर्वाह करने के लिए, पानी नहीं मिल पाने से लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है और यही वजह है कि आज बीजेपी का जो पार्षद है वो आक्रोशित हो उठे। उन्होंने महापौर और निगम आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्दी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तक किया जाएगा। तो फिलहाल यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पानी आए।
बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही की जानी चाहिए कि जल्द ही ये तमाम जो परेशानियां दिक्कतें दूर हो जाएं। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे सरगुजा जिले के मैनपाट नर्मदापुर की नाबालिग बेटी पिछले 2 साल से लापता है। उसके पिता और परिजन बेटी की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई है। लापता लड़की के पिता ने मानव तस्करी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाली एक महिला ने ही उसकी नाबालिग बेटी को गायब कर दिया। उसकी बेटी को पढ़ाने लिखाने के नाम पर ले जाया गया, जिसके बाद से बेटी लापता हो गई। पिता ने पुलिस से कई बार फरियाद लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा है कि मामला गंभीर है, आयोग ने इस पूरे मामले की सुनवाई रायपुर में करने का भरोसा दिया है। और रायपुर में बारिश की वजह से खारून नदी उफान पर है। नदी किनारे घाट पर लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। यहां इधर नदी का जल स्तर बढ़ने के बावजूद महादेव घाट पर लोगों की सुरक्षा को लेकर अब तक ना ही कोई इंतजाम किया गया है और ना ही नदी के डेंजर क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो खारून नदी उफान पर है और बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से राजधानी रायपुर का खारून नदी का तट भी जो है लबालब हो चुका है और ऐसे में खारून नदी के तट पर सेल्फी लेने के लिए लोगों की संख्या जो है वो उमड़ रही है और बिना सुरक्षा के इंतज़ाम के लोग परिवार के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं और नदी के किनारे जो है बैठकर सेल्फी जो है वो ले रहे हैं। जबकि आपको बता दूं कि खारू नदी के तट पर जलस्तर बढ़ने के बाद भी यहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतज़ाम जो है वो नहीं किए गए हैं। वहीं बिना सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम के बाद भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। साथ ही खारू नदी में किसी भी तरह का जो है डेंजर एरिया पर भी जो है रोक प्रशासन की तरफ से जो है वो नहीं लगाया गया है और जैसे जैसे खारू नदी के तट पर जलस्तर बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ते जाता है और ऐसे में हादसे का डर भी जो है वो बना रहता है। और इससे पहले भी लगातार खारू नदी के तट पर कई हादसे जो हैं वो हो चुके हैं, उसके बाद भी लोग जो है वो सुत नहीं ले रहे। और अब आपको कांकेर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ नौनिहाल अपनी जान को खतरे में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। छात्र पानी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। बारिश से नदी उफान पर है और बच्चों की जान को खतरा है। लंबे समय से रानी डोंगरी और गावडे गांव के पास नदी में पुल बनाने की मांग हो रही है लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। और बलौदा बाजार में भी पुलिया नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए उन्हें कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते हैं। दरअसल पलारी विकासखंड के शेरकाडी में गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरसाती नाला है। नाले के इस तरफ गांव है और नाले के उस पार स्कूल और अस्पताल है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ बारिश के दिनों में अभिभावक बच्चों को कंधों पर बैठाकर 4 से 5 फीट का नाला पार करके स्कूल पहुंचाते हैं। वहीं मरीजों को भी जुगाड़ के तहत ही नाले के पार ले जाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कई बार आला अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाई गई लेकिन अब तक पुलिया निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं की गई। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। स्कूल जाने के लिए आखिर कितनी समस्या है ये बलौदा बाजार जिले के छेरकाडी में आप देख सकते हैं। तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गड्ढा ये पार करके जाते हैं। इन गड्ढों को पार करके स्कूल जा रहे हैं लेकिन प्रशासन और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता। बेटा रोज जाता इसने स्कूल? हाँ। रोज जाता? काकर संग में जाता? मोर पापा संग। रोज? हाँ। और ज्यादा गड्ढा थे कैसे करता? नहीं जामन स्कूल जाना बंद कर देते? भैया रोज हंसने जाते हैं? हाँ, ऐसा नहा कर जाता है रोज, बाढ़ आता है तो फिर बंद कर देते हैं 2-3 हफ्ता। ये देख सकते कितना पड़ता है भाई। मैं 11वीं में हूँ अभी। रोज ऐसे स्कूल जाते हूँ? रोज नहीं जा पाते, क्या है ना पानी के मतलब हिसाब से जाते हैं। देख सकते हैं कितना गड्ढा है। जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं अभी कमर तक आ चुके हैं पानी। अभी और इधर जाएंगे तो देखिए गड्ढा किस तरह से। ये बता रहा है कि जो सिस्टम है, प्रशासन है, आखिर क्या कर रही है। इतने गड्ढे में लोग स्कूल जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम के उन आला अफसरों को ये ध्यान देना चाहिए
कि आखिर लापरवाह सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी। समस्याएं तो आम बात है, समस्याएं होना आम बात है, लेकिन बारिश के समय में ये पुल की जो समस्या है आखिर कब समाधान होगी, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज 18, बड़ौदा बाजार। और गरियाबंद में स्कूल के विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अमली पदर सूखा नदी का ये मामला है। तेज बारिश से नदी उफान पर है, पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। पिछले 2 साल से पुल निर्माण का काम चल रहा है, स्कूल के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। कभी भी ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। इस नदी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हमको स्कूल जाने में आसानी हो। हमारे तो टेंट है तो बोर्ड क्लास है, रुक जाती है, पढ़ाई बहुत हो रही है आजकल। मैं तो गिर गई वो गड्ढा में। कब गिर गई? वो आते समय है? आते समय। हाँ, तो हाँ। अभी बारिश का दिन शुरू हुआ है तो कितना परेशानी करना पड़ा? बहुत परेशानी करना पड़ा। और बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहाँ गरियाबंद में चिंगरा पगार वाटरफॉल बंद हो गया है। चिंगरा पगार वाटरफॉल के पास दंतैल हाथी की मौजूदगी है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। हाथी पैरी नदी सीमा पर मौजूद है। आसपास के गांवों में इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक भी पहुंचते हैं और ऐसे में चूंकि दंतैल हाथी की मौजूदगी की वजह से पर्यटकों को नुकसान हो सकता है। और अब रुक करेंगे टॉप 20।